तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1800 डायमीटर का माइटर बैंड कैसे बनाना है। ठीक है, एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था और पूछा था हमसे कि सर 1800 डाया का माइटर बैंड कैसे बनाना है। तो इसके पहले भी मैंने जो है माइटर बैंड के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, बिल्कुल आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो यह है इसका फॉर्मूला, हाफ ओडी इंटू 10 डिग्री और डिवाइडेड नंबर ऑफ कट इंटू 2। ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम अभी इसको बनाएंगे। ठीक है, हाफ ओडी की जगह पे मैंने 900 रखा है और उसके बाद इंटू की जगह पे ये वाला इंटू है और उसके बाद 10 डिग्री, तो 10 के जगह पे 10 है और डिग्री के जगह पे 90। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको भी किसी अन्य डिग्री में वीडियो चाहिए तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कट, यहाँ पे मैं 3 कट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। उसके बाद इंटू के जगह पे इंटू और उसके बाद 2 के जगह पे 2। ओके, और उसके बाद देखिए 900 के जगह पे 900 और फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है। उसके बाद 10 के जगह पे 10 और 90 डिग्री यहाँ पे है और डिवाइडेड 3 × 2 मतलब 6, तो 90/6 मैंने यहाँ पे किया है। और उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे 900 है इंटू 10 के जगह पे 10 और 90 और 6 का अगर हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 15 डिग्री। ओके, अब दोनों को अगर हम कैलकुलेटर में डाल के इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 241.154273 mm। ओके, ये हो गया इसका आंसर, कटबैक हो गया। ये हो गया हमारा पहला कटबैक, फर्स्ट कटबैक यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी मतलब कटबैक। और ये कितना डिग्री के लिए आता है, तो ये 90 डिग्री के लिए है कटबैक। ओके, अगर आप 4 सेंटर लाइन में अगर आप बनाओगे तो जो है एक ही जो है ये कटबैक काफी है, लेकिन अगर आप इसको 8 सेंटर लाइन या 16 सेंटर लाइन में अगर आप बनाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए और भी कटबैक का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 16 सेंटर लाइन में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें दूसरा कटबैक निकालना पड़ा है। और उसी तरीके से ये देखिए, हमने यहाँ पे तीसरा कटबैक भी निकाला हुआ है, यहाँ पे चौथा कटबैक भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे दूसरा कटबैक निकाला हुआ है, सेकंड कटबैक। ठीक है, जो कि हमारा आता है 67.5 डिग्री। ये कैसे आता है अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो वीडियो को आप जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला है सेकंड कटबैक निकालने के लिए, फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 67.5 डिग्री। ये डिग्री कहाँ से लिए अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो खोजने के लिए सिंपली आप क्या करें, यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें फिटर की पूरी जानकारी, और उसके बाद वहां से आप जो है जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको एक एल्बो का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाइए और वहां पे आपको जो है सब कुछ सारा जो है वीडियो एल्बो के बारे में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट कटबैक पे मैंने यहाँ पे कितना रखा है, 241.154273 ये वाला जो हमारा यहाँ पे आया था वही मैंने यहाँ पे भी रखा है। ठीक है, उसके बाद इंटू और साइन 67.5 मतलब ये वाला। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया हुआ है 222.79। ओके, ये हमारा हो गया 67.5 डिग्री का कटबैक। ठीक है, जो कि है हमारा सेकंड कटबैक। तो 16 सेंटर लाइन में बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 कटबैक टोटल निकालना पड़ता है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा और चौथा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये है तीसरा कटबैक। ठीक है, थर्ड कटबैक यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी, तीसरा कटबैक जो कि हमारा है 45 डिग्री का। ओके, तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 45 डिग्री। तो फर्स्ट कटबैक की जगह पे देखिए हमने यहीं पे लिया है 241.154273। ये आपको पूरा लेना है, लास्ट डिजिट जितना भी है वो पूरा आपको लेना है। और उसके बाद इंटू की जगह पे यहाँ पे इंटू रखा है, उसके बाद साइन 45 ये वाला। ओके, और उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 170.52 mm। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा कटबैक। हमें एक और यहाँ पे कटबैक निकालना है जो कि ये वाला है, देखिए फोर्थ कटबैक। ओके, ये है हमारा 22.5 डिग्री में। तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 22.5 डिग्री। ओके, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट कटबैक की जगह पे 241.154273 इंटू साइन 22.5 डिग्री। ओके, तो दोनों को जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92.28 mm, जो कि हो गया हमारा 22.5 डिग्री का कटबैक। ओके, तो हमारा कटबैक सभी फाइनल निकल चुका है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसका जो मिडल पीस और साइड पीस है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ।
तो देखिए मिडिल पीस निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ओडी इंटू 10 डिग्री इंटू 2, ये मिडिल पीस का फॉर्मूला है। तो ओडी की जगह पे हमने यहाँ पे 1800 रखा है 1800, उसके बाद इंटू 10 के जगह पे 10 है और डिग्री के जगह पे हमने 15 डिग्री रखा था, मतलब कि ये वाला जब हमने यहाँ पे 90 डिवाइड 6 किया था 15 डिग्री आया था, तो वही डिग्री हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये वाला देखिए 15 डिग्री और फिर इंटू के जगह पे इंटू और फिर 2। ओके, और इसको जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 964.61 mm। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा मिडल पीस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे साइड पीस का कैलकुलेशन करके दिखाया आपको। तो साइड पीस का फॉर्मूला है मिडल पीस डिवाइड 2, मतलब जितना भी आपका मिडल पीस आया हुआ है उसको डिवाइड 2 करना है, तो आपका आ जाएगा साइड पीस। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक स्केच करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो देखिए इसमें यहाँ पे इसको बोलते हैं हम मिडल पीस, इसको मिडल पीस बोलते हैं और इसको भी हम मिडल पीस ही बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में रहता है उसको हम साइड पीस बोलते हैं इधर का, और इधर वाला को साइड पीस बोलते हैं। ओके, तो मार्किंग देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पाइप लेना है और उसमें सबसे पहले आपको मारना है साइड पीस। तो साइड पीस हमारा कितना है, ये देखिए 482 mm। तो यहाँ से आपको टेप पकड़ना है पाइप के एंड से और यहाँ तक मार देना है 482 mm। ओके, और उसके बाद मिडल पीस का मार्किंग करना है जो कि हमारा कितना 964 mm, यहाँ पे मार देना है आपको 964 mm। ओके, और फिर है हमारा मिडल पीस, तो यहाँ पे भी मार देना है 964, मतलब यहाँ से यहाँ तक 964 mm, और फिर साइड पीस है मतलब कि 482 mm। ठीक है, तो सब मारने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा पाइप में गोल इस तरीके से आपको लाइन खींच देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, फिर यहाँ पे एक हमने जो है पूरा पाइप में राउंड लाइन खींचा हुआ है, और फिर इसी तरीके से इसमें भी मैंने एक राउंड लाइन खींचा हुआ है। तो लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया है, देखिए ये जो है टोटल 16 सेंटर लाइन में डिवाइड है, तो आपको जो है सिर्फ मतलब पाइप का सामने वाला भाग ही दिख रहा है, और जो इसका पीछे है मतलब कि यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, बिल्कुल इसके जो है पीछे में लाइन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पाइप जो है मार्किंग आप करोगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन खींचने के बाद आपको 16 सेंटर लाइन में डिवाइड कर देना है। तो 16 सेंटर लाइन में कैसे डिवाइड करोगे, जैसे पाइप का ओडी कितना है 1800 इंटू 3.142 करोगे। ठीक है, तो एक आपका आंसर आ जाएगा, और उसको क्या करना है डिवाइड 16 सेंटर लाइन में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जितना भी आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, पाइप के टॉप से यहां तक मार्किंग करना है, मतलब जितना भी आएगा यहां से यहां और फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे करके आपको 16 सेंटर लाइन में डिवाइड कर लेना है। ओके, ऑलरेडी मैंने जो है ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपको मालूम नहीं है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको मार्किंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मार्किंग आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जीरो पॉइंट लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपको टेप पकड़ना है और यहाँ तक आपको मार देना है 92 mm, जो कि हमारा आया था चौथा कटबैक। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको और एक स्टेप आगे जाना है और यहाँ पे मार देना है 170 mm, जो कि हमारा था थर्ड कटबैक, तीसरा कटबैक। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आपको जो है सेकेंड कटबैक मार देना है 222, और फिर 241 जो कि हमारा पहला कटबैक आया था वो वाला मार देना है। ठीक है, सेम इधर भी ऐसे मारना है 92.28, 170.52, 222.79, और उसके बाद 241.15। ओके, और उसके बाद ये देखिए ये लाइन इस तरीके से इधर आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मतलब इसमें बाहर तरफ मार्किंग है तो इसमें भी आपको बाहर तरफ लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मतलब बाहर तरफ है तो इसमें भी आपको बाहर कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका मार्किंग आना चाहिए पाइप में। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने डिग्री लिखा हुआ है, जो लाइन है हमारा पाइप में ये 0 डिग्री है, ये 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5 और ये 90 डिग्री। ओके, तो जैसे यहाँ पे मार्किंग किया हमने, सेम यहाँ पे भी आपको करना है 241.15, उसके बाद ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और फिर 0 डिग्री, और सेम आपको ऐसे रिपीट करके पूरा आपको मार्किंग कर देना है। और मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग करके जब आप बनाओगे तो आपका जो है बिल्कुल ये 90 डिग्री में बन जाएगा। ओके,
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारे ऐप फीडर की पूरी जानकारी को इंस्टॉल नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अन्य डिग्री में या किसी अन्य डायमीटर में अगर माइटर बैंड का जो है वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो लाने का, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं सभी का कमेंट देखता हूं और उसके ऊपर मैं वीडियो भी मैं लाता हूं जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लेट आता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि जल्द से जल्द आपको वीडियो दे दूं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।